क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस दस्ते ने सोमवार को गश्त के दौरान शहर के नंदनवन थाना क्षेत्र से झोपड़पट्टी इलाके से 1,29,400 रुपए कीमत की कुल 12 ग्राम 94 मिलीग्राम एमडी जब्त कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में नंदनवन झोपड़पट्टी निवासी 30 वर्षीय राकेश अनंतराव गिरी और 28 वर्षीय रोशन अनंतराव गिरी शामिल है। साथ ही तीसरा आरोपी कलमना निवासी 28 वर्षीय जुनेद नूर हसन खान है, जिस पर पहले से ही जुआ खेले जाने का मामला दर्ज है। स्वतंत्रता दिवस के चलते शहर के हर एक परिसर में छोटी बड़ी सभी गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखने के कड़े निर्देश पुलिस आयुक्त द्वारा सभी दस्तों एवं पुलिस अधिकारियों को दिए गए थे। निर्देश अनुसार कार्यवाही करते हुए गश्त कर रहे क्राइम ब्रांच के एनडीपीएस दस्ते ने तीनों आरोपियों से पूछताछ कर उनसे 2 ग्राम 94 मिलीग्राम एमडी जब्त की, जिनकी कुल कीमत 1,29,400 रुपए बताई गई है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने 60,000 रुपए की एक मोफेट एक्टिवा, विभिन्न कंपनियों के 6 मोबाइल हैंडसेट जिनकी कीमत 65,000 रुपए एवं नकद 2,160 रुपए सहित कुल 2,56,860 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ 391, 223 धारा 8C, 22B, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है। आम्हाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून नंदनवन परिसरात झोपडपट्टी नंदनवन झोपडपट्टीमध्ये आम्ही एक कारवाई केली, ज्यामध्ये राकेश गिरी, त्याचा भाऊ रोशन गिरी आणि त्याचा मित्र जुनेद खान यांच्या ताब्यातून एकूण 12.12 ग्रॅम 94 मिलीग्रॅम इमली सदृश पावडर आणि एक ॲक्टिवा गाडी, 6 मोबाईल, एक वजन काटा आणि नगदी 2,160 रुपये अशा एकूण 2,56,860 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही आरोपीच्या ताब्यातून जप्त करून आरोपी विरुद्ध पोलीस नंदनवन येथे गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यामधील जुनेद खान याच्यावर अगोदरचा एक जुगारचा गुन्हा दाखल आहे। बंदोबस्तच्या निमित्ताने आम्हाला माननीय DCP साहेब आणि CP साहेबांनी ज्या सूचना दिल्या होत्या त्याप्रमाणे आम्ही रात्रीची पेट्रोलिंग सुरू केली होती आणि त्या पेट्रोलिंग दरम्यान आम्हाला गुप्त माहिती मिळाली, त्यावरून ही कारवाई केली। नंदनवन परिसरात नंदनवन झोपडपट्टी परिसरात कारवाई केली। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट।